Hello friends, welcome on my YouTube channel Microbiology by Santosh Nabde. Friends, बहुत सारे students ने मुझे message किया था कि resume कैसे तैयार करना है, resume कैसे बनाना है, उस पर एक आधा video आप बनाइए. तो friends, आज मैं यहाँ पे ये video बनाने वाला हूँ जो कि resume कैसे तैयार करना है, इस पे इसके बारे में information आपको मिलेगी. आप सभी को पता है या फिर आप बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम बनाया है, बनाया होगा, और ये रिज्यूम एक रिटन डिस्क्रिप्शन है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस का, आपने कोई प्रीवियस जॉब किया है उसके जॉब के बारे में, और आपने कुछ ट्रेनिंग लिया है, कुछ इंटर्नशिप ली है उसके बारे में, और आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में. तो ये हो गए सिंपल डेफिनेशन हो गए रिज्यूम की. उसके बाद तो ये रिज्यूम जो भी आप बना रहे हो, आप जब भी कोई कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपके पहले ये रिज्यूम वहां पे कंपनी में पहुंच जाता है, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी नंबर पे आपने भेजा हो, तो लेकिन आपके पहले ये रिज्यूम वहां पे पहुंचता है. तो इसीलिए ये जो आपका रिज्यूम है ये आपको प्रेजेंट कर रहा है वहां पे, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयर के सामने और कुछ एचआर के सामने और हायरिंग मैनेजर के सामने. तो इसीलिए आपका जो रिज्यूम है ये अच्छी तरह से होना चाहिए. उस रिज्यूम ने आपको अच्छी तरह से एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, तभी आपको एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आ सकती है और बाद में आपका जॉब वहां पे हो सकता है. तो इसीलिए रिज्यूम प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जर्नी ऑफ योर जॉब सर्च. तो इसीलिए आपको ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है कि आप जो भी रिज्यूम बना रहे हो वो अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पेजेस का रिज्यूम वहां पे बनाओगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर को या फिर एचआर को थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं और सभी को अच्छी तरह से देखना उतना टाइम उनके पास नहीं होता है. तो इसीलिए आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके बारे में वो एटलीस्ट या कम से कम एक पेज पे आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दो पेजेस. तो लेकिन इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहले पेज पे क्या लेना है, सेकंड पेज पे क्या लेना है. तो यार अगर आप एक ही पेज में आपका रिज्यूम वहां पे कंपाइल कर सकेंगे तो वो भी एक वहां पे अच्छी बात है. तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूम. लेकिन आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए. दूसरी एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तीसरी बात, आपके जो भी फ्रेंड्स है उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए. तो ये तीन चीजें फॉलो करो और बाकी का हम अभी देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूम. तो रिज्यूम क्या है ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक प्रकार का आपका रिटन डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हो, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस वहां पे लिखते हो, आपने जो भी ट्रेनिंग्स लिया है, इंटर्नशिप ली है वो आप वहां पे लिखते हो, और पहले पास्ट में आपने कहीं जॉब किया है तो उसके बारे में भी आप वहां पे लिखते हो, और कुछ आपके पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे आप लिखते हो. तो ये हो गया रिज्यूम. और उसके बाद रिज्यूम एक मीडिएटर का काम करता है. मीडिएटर क्यों मैं बोल रहा हूं इसे, क्योंकि आपके बीच में और कंपनी के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में जो माध्यम है कम्युनिकेट करने में वो है आपका रिज्यूम. इसीलिए रिज्यूम एक मीडिएटर का काम कर रहा है. अगर ये मीडिएटर अच्छा है तो आपका काम वहां पे हो सकता है. अगर मीडिएटर ने आपको अच्छी तरह से कंपनी के सामने, एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट नहीं किया तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, आपका रिज्यूम वहां पे रिजेक्ट हो सकता है. अगर आपका रिज्यूम वहां पे रिजेक्ट हो गया तो इंटरव्यू कॉल तो आपको नहीं आ सकती वहां पे, बाकी का आगे को आपको पता है. तो इसीलिए ये जो मीडिएटर है, ये जो रिज्यूम है, ये इस रिज्यूम ने आपको कंपनी के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए. और इस मीडिएटर को आपको कैसे बनाना है, इस रिज्यूम को आपको कैसे बनाना है, ये पूरा का पूरा आपके हाथ में है. तो हम देखेंगे अलग अलग स्टेप्स में देखेंगे इस वीडियो में कि अच्छी तरह से जो प्रोफेशनल रिज्यूम है वो कैसे बनाते हैं.